नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। देवास में कोरोना काल में आयोजित कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा करने पर कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज होने से राजनीति गर्मा गई है। जहां एक तरफ भाजपा ने कांग्रेस पर नियमों का पालन नहीं करने की बात करते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर भी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने रविवार को लॉकडाउन के दिन कार्यक्रम की परमिशन होने की बात करते हुए पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि उसी दिन भाजपा का भी एक कार्यक्रम हुआ था, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस प्रवक्ता ने मांग की है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। देवास के टोंकखोर और सरोलिया में पिछले दिनों कांग्रेसियों के कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा और कार्यकर्ताओं के आपस में गुथम गुथा होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई थी।